मैं वहाँ पे गया तो 140 BHK पावर और 250 Nm का टॉर्क पड़ के गया था। 148 हाँ जी, हाँ 250 Nm का टॉर्क पड़ के गया, लेकिन मुझे वो एक्चुअली में अपनी ब्रेजा से भी ना थोड़ा सा कम रिस्पॉन्सिव। ब्रेजा कौन सी थी आपकी? डीजल होगी, पेट्रोल। तो मतलब स्कॉडा वाले इतने चिल्लाते रहते हैं, इतने शोर शराबे मचाते रहते हैं, हमारी गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, एंड आपको उससे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस अपनी पुरानी ब्रेजा की लगी। स्कॉडा वाले इसको आके चलाएंगे ना, फिर वो कहना बंद कर देंगे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। आज की डेट में टाटा बिकने का सबसे बड़ा कारण आपको भी पता है क्या है? क्योंकि टाटा से हटने का कारण भी सबसे बड़ा सबको पता है क्या है? अगर आपकी गाड़ी चल रही है और आपको इतना सा भी कंकड़ नीचे लग गया ना, वो टन करके आवाज आता है। अच्छा, टन। क्रेटा गाड़ी महारद्दी है, मतलब मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, किसके हिसाब से कैसी उसका। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मेरा नाम है दक्ष और आज मैं रखूंगा अपना पक्ष। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ हुंडई वेन्यू का ओनरशिप रिव्यू। देखो दोस्तों, हुंडई वेन्यू की आपने ओनरशिप तो कई देखे होंगे, मेरे चैनल पर भी देखे होंगे और चैनल्स पर भी देखे होंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे इस ओनरशिप में ऐसा क्या खास है भाई, हम वेन्यू का क्यों देखे, हमने इतने देख रखे। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये जो वेन्यू है ना, इसमें जो इंजन है वो कोई आम इंजन नहीं है, वो शायद आपने पहली वेन्यू देखी होगी इस इंजन में ओनरशिप रिव्यू में। इसमें क्रेटा का डीजल इंजन जो है हुंडई ग्रुप ने डाल दिया, यानी 1.5 CRDI इंजन जो क्रेटा में आता था, जो कि 114 BHP 250 Nm का टॉर्क देता था भाई। क्रेटा वाला डीजल इंजन जो 22 लाख रुपए का, 21 लाख रुपए का आता था, वो इन्होंने सेम इंजन जो है वेन्यू में डाल दिया। तो अब भाई ओनर से जानेंगे कि क्यों उन्होंने ये गाड़ी ली, डीजल मैनुअल है ये दोस्तों, मैं बता दूं आपको SX मॉडल। तो क्यों जो है ओनर ने ये गाड़ी ली, आज की डेट में इतने सारे ऑप्शन आते हैं, क्यों, कितने की पड़ी, क्या रहा, कैसा हिसाब रहा, क्योंकि आई गेस जितने की इन्होंने ये गाड़ी ली उतने में वेन्यू की जो है एनलाइन भी आ जाती है, जिसमें उन्हें ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा। तो जो दोस्तों, बिना किसी देरी के जो है आपको जो है गाड़ी के ओनर से मिलवाते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, एक अपनी इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं चेतन लाठी हूँ, दिल्ली का रहने वाला। सर एक बारी गाड़ी बंद कर दो जरा, गाड़ी ऑन है, उसमें डीजल इंजन की रिफाइनमेंट उसको मिल जाएगी, काफ़ी काफ़ी अच्छी है। हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने गाड़ी ली है अप्रैल 2023 इसी ईयर में। हाँ जी, इसी साल ली है अप्रैल में। इससे पहले मैं ये गाड़ी देख रहा था, एक तो मैंने गाड़ी देखी स्कॉडा की कुशाक 1.5 मैनुअल, तो मुझे इसमें थोड़ा स्टेयरिंग थोड़ा सा लूज सा लगा। सर आप एक बात बताइए, इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? ब्रेजा। ब्रेजा थी, तो ब्रेजा के बाद स्कॉडा में चले गए आप? मतलब आपने जब आप गाड़ी की सर्च कर रहे थे, तो सबसे पहले व्यूअर्स को आप ये बताओ कि आपका बजट क्या था एंड आप कौन सी गाड़ी जो है देखने गए थे? बजट मेरा 10 के आसपास का ही था, 10 लाख के आसपास का। 10 के आसपास का था, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर एक्सटेंड करके फ्लेक्सिबल लोन करके अगर हम ले लें ओके, तो गाड़ी अच्छी है। अब सुनने में ये आया था कि कुशाक वगैरह बहुत परफॉर्मेंस अच्छी गाड़ियाँ हैं, परफॉर्मेंस की गाड़ियाँ हैं, तो मैंने वहाँ पे जाके वो चलाई, तो मुझे उसका थोड़ा स्टीयरिंग थोड़ा सा लूज सा लगा। मैंने टाइगुन नहीं चलाई, टाइगुन तो उससे भी लूज है, टाइगुन का आप लूज बता रहे हो, लेकिन उसका रिव्यू में हम टाइट सुनते हैं। लेकिन मैंने जो नोटिस करा है कि कुशाक से लूज है टाइगुन का स्टीयरिंग, 10-15% का फर्क है, वो नोटिस हो जाता है। अब मैं वहाँ पे गया तो 140 BHK पावर और 250 Nm का टॉर्क पड़ के गया। 148 हाँ जी, हाँ 250 Nm का टॉर्क पड़ के गया, लेकिन मुझे वो एक्चुअली में अपनी ब्रेजा से भी ना थोड़ा सा कम रिस्पॉन्सिव। ब्रेजा कौन सी थी आपकी? डीजल होगी, पेट्रोल। लेकिन वो उतना पंच नहीं मिल पा रहा था जितना मैं 250 Nm सोच के गया था। आपने कौन सा मतलब वेरिएंट चलाया था? मैनुअल वाला? मैनुअल वाला, कुशाक का मैनुअल 1.5। ओके, मेरे पास कभी पहले डीजल भी थी, तो डीजल में उसका जो पंच था ना 190 Nm के हिसाब से मुझे थोड़ा आइडिया था कि कितना पंच होना चाहिए, तो 250 Nm के हिसाब से मुझे उतना पंच नहीं लगा। ओके ओके, फिर इतने में एक खबर सुनने में मिली कि वेन्यू में हुंडई अपना क्रेटा का डीजल इंजन जो है वो डालने वाला है। ओके ओके, वेरिएबल जियोमेट्री ट्रांसवर्स चार्जर के साथ। फिर मैंने इसको चलाया, इसकी चूज भी मुझे अच्छी लगी, फिर मैंने ये ली। अच्छा, टेस्ट ड्राइव आपने ली थी? हाँ ली थी। तो कितने की पड़ी है ये? है SX मॉडल, आपको 14 के अराउंड पड़ जाता है। SX मॉडल 14 के अराउंड आपको ये पड़ा ऑन रोड? तो मतलब स्कॉडा वाले इतने चिल्लाते रहते हैं, इतने शोर शराबे मचाते रहते हैं, हमारी गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, एंड आपको उससे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस अपनी पुरानी ब्रेजा की लगी। स्कॉडा वाले इसको आके चलाएंगे ना, फिर वो कहना बंद कर देंगे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। आपने 1.5 भी चलाया था? बिकॉज मेरे हिसाब से तो 1.5 मैनुअल की टेस्ट ड्राइव तो अवेलेबल ही नहीं है स्कॉडा के पास। 1.5 की मैनुअल टेस्ट ड्राइव मैंने स्कॉडा जे स्कॉडा वहाँ से ली थी, ग्रीन पार्क में इनका शोरूम है मालवीय नगर में। अच्छा अच्छा, सफदरजंग एन्क्लेव में, ओके ओके, वहाँ से शोरूम है, तो वहाँ से मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी 1.5 मैनुअल की। ओके ओके, 1.5 मैनुअल की। उन्होंने वो गाड़ी स्पेशल मंगाई थी गुड़गांव से, गुड़गांव में उनका दूसरा एक जेस स्कॉडा था, तो वहाँ से उन्होंने मंगाई थी, फिर मैंने वहाँ से टेस्ट ड्राइव। वो कितने की आपको ऑन रोड पड़ रही थी? 18 के आसपास पड़ रही थी। तो आपका बजट तो 10 लाख का था? नहीं, अब उसका नया बीच वाला वेरिएंट आ गया ना इनका। अच्छा, एंबिशन, अच्छा आप वो लेने का सोच रहे थे, एंबिशन 1.5 मैनुअल में, उसमें थोड़ा सा हो जाता टैली। ओके ओके, तो सर कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है वेन्यू के साथ? एक्सपीरियंस भयंकर जा रहा है,
मैं कह रहा हूँ जिनको सिर्फ डीजल की जो दीवाने हैं ना, एक बार वो चला के टेस्ट ड्राइव करके देखे। दिल्ली में रहके डीजल गाड़ी ले ली? हाँ, दिल्ली में रहके डीजल गाड़ी ले ली, क्योंकि मेरी रनिंग भी थोड़ी ज्यादा है। अब मैं टाइम पास के लिए भी गाड़ी चला लेता हूँ। अच्छा, मतलब फन टू ड्राइव जैसे कहते हैं कि मतलब जब टाइम पास करना, कोई व्हाट्सएप लगा हुआ कुछ जैसे ऐसे है ना, मेरा टाइम पास ये है। अच्छा, आपका टाइम पास बैठा और चल दिए। अच्छा, जब मन खराब हो गाड़ी में राउंड मारो, मन खुश हो गया। जब पेट भर गया तो वापस आ जाओ। ओके ओके, तो आपने ये नहीं सोचा डीजल गाड़ी दिल्ली में ले रहा हूँ, 10 साल वाला रूल है वो? है तो है, ठीक है, देखी जाएगी। वो 10 साल भी बहुत है ना, क्योंकि बहुत से लोग पेट्रोल गाड़ी दिल्ली में से प्रेफर करते हैं कि 15 साल वाला मिल रहा है। देखो, यही तो कैच है, बिग कैच है। हम ज्यादातर लोग 10 साल तक गाड़ी रखता कौन है, पहले तो मैं ये जानना था। बहुत होते हैं 10 साल, ठीक है। नहीं, सब नहीं रखते, मैं तो नहीं रखी, मैं तो 5 साल से ऊपर गाड़ी नहीं रखता, 5-6 साल तक गाड़ी रखता हूँ। अब परफॉर्मेंस वाली चीज मिल रही है, इसके बाद पता नहीं कभी ये लॉट मिले ना मिले, हो सकता है बंद भी कर रहे हैं। अब पीछे ये सुनने में आया था कि डीजल गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, अब मैन्युफैक्चर नहीं होंगी, तो जब तक जो मिल रहा है वो ले लिया। हाँ, फिर तो पेट्रोल गाड़ियाँ मिलनी है, क्या पता आगे। तो सर एक बात बताइए, वेन्यू जब आप लेने गए थे, जैसे आप पहले बता रहे थे पोशाक देख रहे थे, तो अगर आप पोशाक ही देख रहे थे तो आपने हुंडई में फिर क्रेटा वगैरह नहीं देखी? देखिए, हाँ, क्रेटा भी मैंने गाड़ी देखी थी। क्रेटा गाड़ी महारद्दी है, मतलब मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, किसके हिसाब से कैसी, उसका स्टीयरिंग तो पोशाक और टैगून से भी रद्दी लगा मेरे को। ऐसा क्यों? बॉडी बहुत हल्की लगी और सिंक नहीं लगा एक्सेलेरेटर में, स्टीयरिंग में, और जो चलने के सिंक होता ना एक। अच्छा, मतलब ड्राइवर का और जो कनेक्शन, कार का जो कनेक्शन, गाड़ी का कनेक्शन आपस में सिंक सा, कार और ड्राइवर का जो कनेक्शन होता है वो आपको मार रहे, चलो हाँ ठीक है चल पड़ूंगी, तुमने पैर दबाई दिया तो चलना तो पड़ेगा। 1.5 डीजल ही। अच्छा, डीजल ही चलाई थी उसमें भी, तो उसमें आपको इतना स्वाद नहीं आया? हाँ, उसमें नहीं आया, मे भी हो सकता है वो थोड़ा सा इससे भारी भी है, 150-200 किलो इंजन सेम है, लेकिन वही सेम इंजन जब आपने वेन्यू में चलाया तो आप मतलब मजा आ गया आपको उसका। अलग मैंने इसलिए कहा ना, जो स्विफ्ट डीजल के दीवाने हैं ना, वो एक बार इस गाड़ी को चला के देखना, बस टेस्ट ड्राइव करके, उसके बाद डिसीजन लेना किसी भी गाड़ी का, अगर सबके पास स्विफ्ट ना हो तो। नहीं नहीं, लेकिन हम जिस जनरेशन में थे ना, सब VDI चला चुके हैं वो सब। तो जब आप वेन्यू ले रहे थे तो मतलब आपने इसमें फिर एक टर्बो पेट्रोल भी आता है 1 लीटर का, आपने वो नहीं देखा? नहीं नहीं, वो नहीं चलाया। वो क्यों नहीं चलाया? मैंने के ही चला के देख लिया 1.5, मुझे जब इन्हीं समझ में नहीं आया तो मुझे लगा, देखो डीजल का एक टॉर्क थोड़ा सा अलग ही रहता है। मैंने स्विफ्ट की पहले डीजल ली, उसके बाद डीजल लेने के बाद मैंने स्विफ्ट की पेट्रोल खरीदी। अब ये दिमाग में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, ठीक है 1.3 से 1.2 पे आ गया मैं, लेकिन वो डीजल पेट्रोल का जो फर्क होता है ना, वो एक ड्राइविंग में ही आपको पता लगेगा डीजल और पेट्रोल का। बेशक चाहे उनके टॉर्क सेम हो, अब इसके और पोशाक के उनके टॉर्क सेम है और BHP भी सेम है, लेकिन जब आपका ड्राइविंग का जो BHP में तो काफी फर्क है, उसकी 115 है, वो 140 है, 150 है, टॉर्क सेम है, 250 है। हाँ, तो लेकिन वो जो टॉर्क का प्लेजर है ना, वो आप जब चलाओगे ना, वो डीजल में आपको ज्यादा फील होगा, क्योंकि इससे कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है। जब कंप्रेशन रेशियो ज्यादा रहेगा तो ज्यादा पुश से हार्ड तरीके से पुश करेगा। वो डीजल और पेट्रोल का तो फर्क आता ही है। हाईवे पे लेकर गए उसे? हाईवे पे 9,000 किलोमीटर चल चुके हैं मेरी ये 3 महीने में। क्या परफॉर्मेंस रही है, जरा बताओ। बस ये थर्ड ईयर में 80 के बाद ये मिलती नहीं है किसी को, चलती रहती है आगे। अच्छा, कहाँ तक ऐसे लेकर गए स्पीड, मतलब कहाँ तक टॉप स्पीड? मनाली ले गया मैं इसको। नहीं, स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप स्पीड कहाँ तक लेकर गए उसकी? टॉप स्पीड 130-140 ऐसे चला लेते हैं। स्टेबल लगी गाड़ी? बिल्कुल बिल्कुल, 150 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मैंने कई रिव्यू में पढ़ा भी था और वैसा ही पाया। अच्छा सर, अब एक बहुत बड़ा कंसर्न आज की डेट में जो लोगों के लिए बन रखा है, जिस वजह से लोग ग्रैंड विटारा और हाइब्रिड, वो हाई राइडर ले रहे हैं हाइब्रिड में, माइलेज। माइलेज क्या देती है डीजल गाड़ी मैनुअल में? अगर आप इसको पुश करके चलाएंगे तो 15 से नीचे तो माइलेज तब भी नहीं देगी, और अगर आप सॉफ्ट तरीके से चलाएंगे तो आपको 20 की माइलेज मिलेगी। सिटी में क्या देती है, जैसे अभी आप आए हो तो 15 की 14-15 दे देती है, क्योंकि मैं एकदम पुश करके चलाता हूँ, पूरा पैर रख के फिर भी 15 दे देती है। एंड हाईवे पे अगर आप जैसे मान लो दिल्ली से चंडीगढ़ जाना हो इस गाड़ी में डीजल मैनुअल, तो क्या माइलेज देगी? 18। अच्छा, मेरे को 18 दे देती है। हाँ, जिस जो अच्छे से चलाएगा, जो 2000 RPM तक रखेगा, ये नहीं कि 3000 RPM पर लेके जा रहा है, 2000 RPM तक जो रखेगा उसको अच्छी माइलेज मिलेगी। तो आप क्या माइलेज निकालने के हिसाब से चलाते हो? परफॉर्मेंस के हिसाब से ना, तभी तो मैं कहीं पोशाक देखने गया, कभी कुछ देखने गया। अच्छा अच्छा, ये तो खैर सेगमेंट काफी अलग हो गई कि पेट्रोल पोशाक देखते देखते डीजल वेन्यू पे आप आ गए। तो नेगेटिव्स क्या लगते हैं गाड़ी के? नेगेटिव ये है, सबसे बड़ा इसका नेगेटिव ये है, सेफ्टी कंसर्न जो कहते हैं ना हुंडई और किया वालों के, वो सबसे बड़ा। अगर आपकी गाड़ी चल रही है और आपको इतना सा भी कंकड़ नीचे लग गया ना, वो टन करके आवाज आता है। अच्छा, टन
मतलब ये मैंने अपने स्विफ्ट जो मारुति सबसे जिसका रद्दी स्विफ्टी कहते हैं हाँ। उसमें भी नहीं आती टन करके आवाज जी, इसमें आती है हाँ। अब इसका इसका मतलब स्विफ्टी में कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। तो ये आपने लेने से पहले नहीं सोचा? हमने वीडियो जो देखी थी जो किया कि दो टुकड़े हो गए थे शायद में भी इसका चेजेस की कुछ दिक्कत तो है हाँ कमजोर है हाँ ऐसे टन करके आवाज आती है बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने इसमें तो ये आपको लेने से पहले नहीं पता था? नहीं नहीं पता था लेकिन ठीक है मैम मेरे लिए ज़्यादा कंसर्न नहीं है। मेरे लिए कंसर्न इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कई लाख किलोमीटर गाड़ियाँ चला चुका हूँ कभी कोई सी तो मेरे को ऐसा लगता है सेफ्टी जो है ना वो मे बी एक्सीडेंट में आप ना जाएं वो ज़्यादा सेफ है बजाय एक्सीडेंट में जाके गाड़ी को सेफ देखना और वो डिपेंड करता है ड्राइवर पे। और गाड़ी में कंट्रोल्स कितने हैं? गाड़ी पे कंट्रोल्स कितने हैं? मतलब जो आपने कनेक्टिविटी की बात करी थी ड्राइवर और कार की जो एक कनेक्टिविटी आती है चलाते हुए जो आप कह रहे थे तो सर अगर आज की डेट में कोई कस्टमर 15 लाख रुपए तक का बजट बना के बैठा हुआ है एंड उसे लेनी ही मैनुअल है 15-16 लाख तो आप उसे क्या बोलोगे कि भाई क्यों वेन्यू लेनी चाहिए डीजल वाली क्यों और कोई गाड़ी नहीं लेनी चाहिए? गाड़ी चलाने में एकदम मजा निकालना है उसको चाहिए मैं को स्विफ्ट डीजल की ताजा याद करनी है तो वो ले ले उसका गुरु आ चुका है मार्केट में वेन्यू डीजल 1.5 CRDI क्रेटा वाला इंजन 115 BHP और 250 Nm का टॉर्क। अच्छा सर आपका कोई मतलब ऐसा इंसिडेंट हुआ गाड़ी का कि थोड़ी बहुत लग गई हो कहीं से जैसे दिल्ली में ट्रैफिक में कि बिल्ड क्वालिटी का आपको कुछ पता चला उस गाड़ी का या टू व्हीलर से कुछ हो गया ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? जैसे मैं देख रहा हूँ थोड़े बहुत निशान वगैरह लगे हुए हैं तो मैंने पूछा थोड़ा बहुत हो जाता है पता तो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आप बोलो कि बिल्ड क्वालिटी का मैं इसके बारे में कुछ बिल्ड क्वालिटी इसके नीचे के चेंजेस से ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज है कुछ ना कुछ ये आपको लगता है? तभी तो इतनी लोहा तो जितना टन आवाज नहीं करना चाहिए मतलब करेगा लेकिन मोटा लोहा रहेगा ना डेंसिटी में ज्यादा जैसे टाटा की गाड़ी नेक्सन वगैरह देखी हो तो बहुत ही हैवी है। आउटर शेल इसका ठीक है आउटर शेल भी ठीक ही है बाकी है। देखो इसकी सेफ्टी रेटिंग वैसे हुंडई की रिकॉर्ड जो है वो थोड़ा खराब ही रहा है तो लेकिन मैंने फिर भी बताया ना कि जो सेफ्टी है वो ड्राइवर पे ज्यादा डिपेंड करती है कि ड्राइवर उस एक्सीडेंट में तक रोक पाता है या नहीं रोक पाता। लेकिन सर कितने हमने एक्सीडेंट ऐसे भी देखे हैं जिसमें मतलब ऐसी सिचुएशन होती है कि ड्राइवर कुछ कर ही नहीं पाता कि कोई पीछे से आके ठोक दे या कुछ। उस केस में तो फिर मुझे लगता है कि अच्छी से अच्छी गाड़ियां भी फिर मुझे लगता है कि रुकेंगी वो भी ऐसे हो जाएगी। हाँ ये तो है अगर लेकिन हाई स्पीड का केस है 150 की स्पीड का केस है लेकिन आज की डेट में टाटा बिकने का सबसे बड़ा कारण आपको भी पता है क्या है? सबको पता है कि टाटा से हटने का कारण भी सबसे बड़ा सबको पता है क्या है उसको आज खरीदो और कल से सर्विस सेंटर जाना शुरू करो क्या बात वैसे ये तो है हुंडई ने जो है दोस्तों अपने कस्टमर्स का बहुत ज्यादा ट्रस्ट जीत रखा है अगर हम बात करें रिलायबिलिटी का। ये एटलीस्ट ये है ना यार कि ये तो नहीं है ना कि हम अपने काम करें या सर्विस सेंटर में बैठे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अब दिल्ली में क्या एक्सीडेंट होना है 50 से ऊपर तो स्पीड गाड़ी चला नहीं सकते उसमें क्या सेफ्टी रूल बताओ। मतलब मारुति हुंडई से लोग भले ही सबको पता हो कि बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है लेकिन आज तक कोई कस्टमर मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई रिलायबिलिटी को लेके दुखी है कि भाई मारुति ले ली हुंडई ले ली यार सर्विस सेंटर के चक्कर लगा के पागल हो गए मेरा लंबा मोटा बिल बना दिया सर्विस में 9000 किलोमीटर और DPF वो भी नहीं आया। ओके डीजल मैनुअल है ये मैनुअल चलाने वाले भाई अभी मैं सर से पूछ रहा था ऑटोमेटिक क्यों नहीं ली कहते भाई मैनुअल तो मैनुअल ही है जिसको गाड़ी का स्वाद चाहिए वो मैनुअल ही लेगा। आपको आप एक बार आप बैठिए मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग करता हूँ ना आपकी फिर। ये तो है लेवल 1 कंफर्ट। हाँ जी। अब आपके इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर एक ये है हाँ ये हाँ अच्छा आप पीछे हुई आप बताइए ये तो लॉन्ग रूट पे दोस्तों हाँ। बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा ये लोगों को पता नहीं देखो यही तो नहीं, ये मुझे पता है कि हुंडई में आता है क्रेटा वगैरह लेकिन कंफर्ट आज आपने शायद पहली बार महसूस करा होगा। हाँ, मैंने बैठ के पहली बार मुझे पता था कि हुंडई में आता है कि ये सीट जो रिक्लाइन हो जाती है लेकिन मैंने बैठ के जो है पहली बार जो है एक्सपीरियंस करा। बैठ पाएगा 4 से ऊपर एक भी आदमी नहीं बैठ पाएगा लेकिन बात वही है जाना कितने लोगों को तो ये एक तरह से आप नेगेटिव कहोगे कि 5 लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते बैठ ही नहीं सकते कंफर्टेबल छोड़ो बैठ ही नहीं सकते। ओके 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 एक बच्चा 4 लोग ओके ओके 14 लाख रुपए में क्रेटा भी आ जाती है मैनुअल भले पेट्रोल वाली आती है तो क्रेटा छोड़ के वेन्यू क्यों लेनी चाहिए क्योंकि आप वेन्यू चला रहे हैं। आप क्रेटा और वेन्यू मैंने फिर भाई शुरू में जैसा बताया था क्रेटा और वेन्यू में एक बेसिक डिफरेंस ही ड्राइविंग प्लेजर का है। ड्राइविंग प्लेजर भी कहीं ना कहीं चाहिए। 14 लाख में क्रेटा तो मिलेगी पर आपको अलाइवल नहीं मिलेंगे। बिल्कुल हाँ। आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलेगा जो फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं ये नहीं मिलेगा रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा ठीक है आपको क्रेटा आपको स्टार्ट स्टॉप नहीं मिलेगा आपको ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कस्टमर भी नहीं मिलेगा वायरलेस ऑटो प्ले नहीं मिलेगा फीचर जो है नहीं मिलेंगे तो भाई तो बात हो गई सनरूफ भी आती है इसमें सनरूफ भी है अच्छा सनरूफ भी है इसमें क्या बात है यार
क्रेटा में बस एक ही बेनिफिट मिलेगा कि 5 लोग बैठ जाते हैं। अभी आपको देखना है कि आपकी गाड़ी वैसे जिसको दिखानी है कि भाई मेरे पास बड़ी गाड़ी है वो ले, भोकाल जिसको दिखाना है अपना, उसको जिसको गाड़ी दिखानी है वो क्रेटा ले ले, जिसको चलाने से मतलब है उसको, जिसको फीचर चाहिए कि भैया हाँ मुझे सारी सुविधा भी अच्छी मिल जाए तो वो इस पे आ जाए। तो दोस्तों यही थी कुछ आज की वीडियो हुंडई वेन्यू डीजल का, क्रेटा वाले इंजन का ओनरशिप रिव्यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सर, थैंक यू।